फिर बाकी से एक ज्वाइनिंग हो जाएगी ना। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम लोग मौजूद है अपने स्टूडियो में, लावा स्टूडियो, और वेलकम है आप लोग का मोहसिन हाशमी प्लस यूट्यूब चैनल में। बताना ये है कि आज का ब्लॉग का स्टार्ट कुछ इस तरह है, हम लोग कर रहे हैं ईद के हवाले से ट्रैक, और चांद रात हो चुकी है और सुबह के इस वक्त 3 बज रहे हैं और कल ईद है, हमने ईद पर रिलीज़ करना है, इसकी लगे हाथ वीडियो भी होगी, ऑडियो भी होगा। ट्रैक का मौजू कुछ इस तरह है हम कि ईद के हवाले से करना है तमाम माओं के लिए जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनके लिए भी है, और जिनकी माएँ हयात हैं, मौला उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं, उनके लिए भी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़बार जाफरी साहब और ये हमारे इस ट्रैक में कॉड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ज़बार भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़बार भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। करम करम मौला का। तो ज़बार मुझे ये बताइएगा, जो हमने अंतरा डिज़ाइन किया है जी जी, वो अगर आप थोड़ा कॉर्ड दें तो मैं आपको असल में जो कलाम है वो बहुत ज़्यादा पुरसोज और बहुत ज़्यादा फील वाला कलाम है, उसको हमने कोशिश किया है कि इसको हम थोड़ी सी इसकी डार्क वाइब्स और डार्क चीज़ रखें ताकि वो सुनने वाले को भी पता चले कि उसके अंदर हमने एलिमेंट क्या डाला है, थोड़ा सा फीलफुल एलिमेंट डाला है उसमें। अंदरा था कुछ और भी बातें अपने कलाम में, जिस तरह से कोई पुरानी बातें माँ से रिलेटेड, कुछ मीठी कोई मेमोराइज कर रही है बातें, वो रिकॉल कर रहे हैं मेमोरीज को, तो उसमें जैसे ख्वाब में कहीं हम पुरानी बातों में जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ उसको उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, उसमें अंतरा चेंज कर सकते हैं, उसमें काफी सारी वेरिएशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी पढ़ने वाला है, कोई भी होता है, तो सबसे पहले दिमाग बना हुआ होना चाहिए कि आज मैंने वोकल करना है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि हम कोई भी पढ़ने वाला वोकल करने के लिए आ जाते हैं लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो उसकी आवाज़ मैं समझता है पावर से या जो एक्चुअल सुर लगना चाहिए वो लगता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कोई वोकलिस्ट में, अच्छा मैं अभी बात करता नहीं कि सुर में पढ़े, कोई वोकलिस्ट असल में सुर में है तो वोकल करने जा रहा है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। क्या बात है मनु भाई, ब्लूज प्ले करते हुए अपने मूड में और वोकल्स के लिए मौसम तैयार है, बस ये थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं गिटार्स। क्या कहने, क्या कहने, खतरनाक खतरनाक, वाह। मोनू भाई मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम वोकल्स की स्टार्ट करें वोकल्स। हाँ बस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टेम्पो इसका ज्यादा तेज नहीं रखेंगे, 126 या 127 ऐसे रख लेते हैं बस, ठीक है 3x4 आई थिंक ना, हाँ बस सही है, ठीक है ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं उन माओ को जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, और उन माओ को भी जो इस दुनिया में मौजूद है, परवरदिगार उन तमाम माओ को लंबी जिंदगी अता फरमाए, परवरदिगार उन तमाम माओ को लंबी जिंदगी अता फरमाए। तुम खो गई हो गई माँ दा गई आंसू है मेरे रवां, ए दा गई माँ। हमारा आज का ये वोकल हो चुका है और ये ट्रैक आएगा लावा स्टूडियो के चैनल से, तो इस ट्रैक को लाजमी सुनिएगा और
मैं शुक्रगुजार हूँ अब मीसम जैदी का, जवाहर जाफरी का और स्पेशली नक्श काजमी साहब का जिन्होंने इस ट्रैक को लिखा और हमारे एक कहने पर लिख दिया और एक दिन में लिख दिया, एक घंटे में लिख दिया। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में।